हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, ये है रियलमी 11 5G स्मार्टफोन। पिछले वीडियो में हमने इसका गेमिंग टेस्ट किया था, इस वीडियो में हम इसका बैटरी चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं। बॉक्स में आपको इसको जो है 80 वॉट का एडाप्टर बॉक्स में आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ये 467 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और ये देखने वाले हैं कि कितना समय आपको जो है वो लगेगा। यहाँ पर जो प्रोबेबली समय लग रहे वाला है वो लगभग 50 मिनट के आसपास है, लेकिन हम देखेंगे कि कितना समय यहाँ पर जो है वो लगता है। सब इस वीडियो में बताऊंगा। दिया चैनल पर बिल्कुल आया, चैनल को कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं स्टॉप वॉच मैंने जो है वो रख ली है, और फटाफट से हम जो है वो अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगा देते हैं। बैटरी जो है वो इस समय मेरी 10% के आसपास है, तो मैं इसे 100% करने वाला हूं, देखते हैं कितना समय लगेगा। तो यहां पर मैं फटाफट से जो है वो चार्जर को कनेक्ट कर देता हूं। तो चार्जर को मैंने यहां पर जो है वो कनेक्ट कर दिया है। तो चार्जर को जैसे ही ऑन कर दिया है, यहां पर जो हमारी चार्जिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, सुपर बुक का जो आइकन है वो आ चुका है। 67 वॉट यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब 67 वॉट ही मैक्स ये आउटपुट लेगी। तो देखने वाले कितना समय लगेगा, और हर 5 मिनट पर हम जो है यहाँ पर जो डिटरमाइन है वो करेंगे कि कितना परसेंट यहाँ पर बढ़ा। तो यहाँ पर रखते हैं चुपचाप, और 10 मिनट के बाद यहाँ पर देख लेते हैं। तो यार 5 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम बैटरी परसेंटेज की बात करें तो लगभग 28% बैटरी चार्ज हो गई, हमने लगाया था लगभग 10% के आसपास। तो 5 मिनट में लगभग बैटरी आपकी जो है वो 18% के आसपास चार्ज हो गई, जो कि अच्छी चीज़ है। और फिर अब देखते हैं कि बैटरी परसेंटेज यहाँ पर 10 मिनट के बाद जो है वो कितना रहता है। तो फाइनली 10 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर बैटरी परसेंटेज की बात करें तो लगभग 41% के आसपास यहाँ पर जो है वो बैटरी परसेंटेज आ गया है। तो मतलब वही कह सकते हैं कि 10-15% के आसपास ही जो है वो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आप देखते हैं यहाँ पर कि 15 मिनट में जो है वो कितना बैटरी परसेंटेज यहाँ पर हो पाता है। तो यार फाइनली 15 मिनट यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम बैटरी परसेंटेज की बात करें तो 55% यहाँ पर जो है वो बैटरी परसेंटेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगभग यहाँ पर जो है वो 53% यहाँ पर जो चार्ज हुआ है। तो लगभग यहाँ पर कह सकते हैं कि 41 थी यहाँ पर 10 मिनट में, और 15 मिनट में लगभग 53% हो गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। और अब देखेंगे कि 20 मिनट में यहाँ पर जो कितना बैटरी परसेंटेज आपको देखने को मिल जाता है। फाइनली 20 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम बैटरी परसेंटेज की बात करें तो 64% के आसपास जो है वो बैटरी यहाँ पर चार्ज हो चुकी है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर अब हर 5 मिनट में 12-13% के आसपास ही चार्ज हो रहा है, उससे यहाँ पर ज़्यादा चार्ज नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि 25 मिनट के आसपास जो है वो कितना बैटरी परसेंटेज हो जाता है। फाइनली 25 मिनट यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर हम बैटरी परसेंटेज की बात करें तो लगभग यहाँ पर जो है वो 75% के आसपास जो है वो बैटरी चार्ज हो गई है। तो मैं कहूँगा लगभग यहाँ पर इस बार 13-14% के आसपास जो है वो बैटरी यहाँ पर जो है वो इंक्रीज हुई है। तो अभी देखते हैं कि 30 मिनट्स में कितनी यहाँ पर बैटरी चार्ज हो जाती है। फाइनली 30 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर हम बैटरी परसेंटेज की बात करें तो लगभग 86% के आसपास जो है वो बैटरी चार्ज हो चुकी है। तो वही कह सकते हैं कि हर 5 मिनट में 10-11% के आसपास बैटरी चार्ज हो रही है। तो यार आप देखते हैं कि 35 मिनट में जो है वो यार कितनी बैटरी परसेंटेज यहाँ पर चार्ज हो जाती है। फाइनली 35 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और हम अगर बैटरी परसेंटेज की बात करें तो लगभग 95% के आसपास जो है वो बैटरी यहाँ पर चार्ज हो चुकी है। तो वही है 10-11% के आसपास जो है वो हर 5 मिनट में चार्ज होती है बैटरी। और अब देखते हैं कि 40 मिनट में यार कितना होता है, या फिर अगर 100% पहले होता है तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो हमारी बैटरी है वो 100% जो है वो चार्ज हो चुकी है। और लगभग यहाँ पर जो समय लगा था वो लगभग, अगर हम पहले 10 मिनट को जो है वो काउंट कर दें, जो कि लगभग 5 मिनट और बढ़ा देते हैं, तो लगभग 43 मिनट में हमारी बैटरी 100% चार्ज होगी। क्योंकि मैंने 10% से स्टार्ट किया था, अगर 0 से स्टार्ट करता तो लगभग 43 मिनट के आसपास रहते। तो कंपनी भी यहाँ पर लगभग 45 मिनट ही यहाँ पर क्लेम करती है। और अगर मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर छानूँ तो लगभग यहाँ पर मैं एवरेज कह सकता हूँ कि 5 मिनट में ये लगभग 12-13% के आसपास चार्ज हुआ है। जैसे कि पहले यहाँ पर जो 5 मिनट थे उसमें 18% चार्ज हुआ,
था, फिर जो दूसरे 5 मिनट थे वो यहाँ पर जो है वो लगभग 13, फिर तीसरे 5 मिनट में 12, फिर चौथे में 11 11 11 और इसी तरीके से फिर आखिरी जो 5 मिनट है उसमें 10% और लास्ट में लगभग 3 मिनट के आसपास जो है वो जो 95 है उससे 100 के आसपास चार्ज हुआ था। तो बैटरी की बात करें तो 5000mAh बैटरी जो है वो लगभग 43 मिनट में चार्ज होना काफ़ी बढ़िया चीज़ है यहाँ पर, और 15000 रुपये में 67W की चार्जिंग बहुत ही कम स्मार्टफोन में नहीं लगता कोई भी स्मार्टफोन यहाँ पर प्रोवाइड करता है, शायद एक टेक्नो का स्मार्टफोन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है, बाकी कोई स्मार्टफोन यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अगेन ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है यहाँ पर Realme की तरफ से, बैटरी चार्जिंग अच्छी है। और वीर जी की वीडियो को ज़रूर से लाइक करो यार, इस एफर्ट्स के लिए आप ज़रूर से इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।